हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 में लाइफ अराउंड मी में आज का टॉपिक है प्लांट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में देखेंगे, प्लांट्स से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है हमें, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। प्लांट आर लिविंग थिंग्स, आप जानते हैं ना कि प्लांट्स क्या है। प्लांट्स क्या है? प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। इसलिए लिविंग थिंग्स है बेटा प्लांट्स, क्योंकि ये ग्रो करते हैं, ये ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, ब्रेथ करते हैं और स्पायरेशन करते हैं। इसमें बढ़ने की क्षमता होती है, ग्रो करने की क्षमता होती है। जो ग्रो करता है वो लिविंग थिंग्स कहलाता है। ओके, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। यू कैन सी प्लांट्स अराउंड योर हाउस, आप अपने घर के चारों तरफ प्लांट्स देख सकते हैं। इन पार्क एंड इन द गार्डन प्लांट्स ग्रो एंड बिकम बिग ट्री। गार्डन में भी देखते हैं, पार्क में भी देखते हैं, प्लांट्स ग्रो एंड बिकम ए ट्री। प्लांट्स बड़े होकर क्या बनते हैं? एक ट्री बनते हैं। प्लांट्स जो होता है बेटा, ये प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स ये छोटे पौधे होते हैं, ये छोटे पौधे होते हैं, ये बड़े होकर एक बड़ा सा ट्री बन जाते हैं, ठीक है? एक बड़ा सा ट्री बन जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं, ट्री, ठीक है? नेक्स्ट है, प्लांट्स एंड ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स। प्लांट्स एंड ट्रीज, जो पेड़ और पौधे हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है प्लांट। ओके, दे गिव अस एयर टू ब्रेथ। प्लांट क्या देते हैं हमें? हवा देते हैं। गिव अस एयर, प्लांट क्या देते हैं बेटा? गिव अस एयर टू ब्रेथ। जो हमें सांस लेते हैं ना, वो कहां से आता है? वो जो हवा आती है, जो हम सांस लेते हैं, वो प्लांट से ही आती है हवा, शुद्ध हवा। जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं ना, जो सांस छोड़ते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेटा। और जो प्लांट्स हमें देता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ओके, वह ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन प्लांट देता है तो हम उसे सांस लेते हैं। ओके, दे गिव अस फ्रूट एंड वेजिटेबल टू ईट। प्लांट हमें क्या देते हैं? फ्रूट देते हैं। क्या क्या देते हैं? दे गिव अस फ्रूट वेजिटेबल्स टू ईट। हमें भोजन सब्जियां देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं और फ्रूट भी देते हैं। प्लांट्स में वेजिटेबल्स और फ्रूट देते हैं, जिसको हम लोग खाते हैं। ओके बेटा, दे गिव अस वुड टू मेक आवर हाउस। दे गिव अस वुड, लकड़ी भी देते हैं। दे गिव अस वुड, दे गिव अस वुड। वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी, लकड़ी देते हैं, ठीक है? प्लांट, फ्रॉम प्लांट लाइक कॉटन वी मेक क्लॉथ। कॉटन प्लांट, कॉटन एक प्लांट होता है बेटा, कॉटन, कॉटन प्लांट होता है। इस प्लांट से कपड़े बनते हैं, इस कॉटन प्लांट से कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है? इसमें से रेशे निकाले जाते हैं, रेशे निकाल कर और उससे कपड़े बनते हैं, जिसे कॉटन के कपड़े कहते हैं। ओके बेटा, चलिए लेट्स ट्राई टू देखते हैं, व्हाट डू प्लांट गिव अस। प्लांट क्या देते हैं हमें? सर्कल द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट। कुछ दिया है फिगर्स, उसको सर्कल करना है आपको, कर लीजिएगा। वाटर, प्लांट्स वाटर देता है, एप्पल देता है, वुड देता है, प्लास्टिक देता है, एयर देता है। क्या क्या देता है इसको सर्कल करिएगा अपने दिमाग से। ओके, राइट, ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर टू का हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, लेट्स ट्राई टू, लेट्स
ट्राई टू क्वेश्चन टू क्वेश्चन टू राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्लांट आर नॉन लिविंग थिंग्स ये पहला है प्लांट आर नॉन लिविंग थिंग्स ये ट्रू है कि फॉल्स है बताइए ट्रू है कि फॉल्स है प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स प्लांट्स नॉन लिविंग थिंग्स है या लिविंग थिंग्स है ये क्या है ये फॉल्स है ये क्या है फॉल्स है प्लांट लिविंग थिंग्स है प्लांट नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है प्लांट गिव अस फूड प्लांट गिव अस प्लांट गिव अस फूड पौधे हमें भोजन देते हैं ना यस भोजन पौधे से भोजन प्राप्त होता है प्लांट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन प्लांट मूव प्लांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अनदर ऑन देयर ओन ऑन देयर ओन पौधे अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं नहीं ये क्या है बात है पौधे अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ओके प्लांट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड कह रहा है बेटा प्लांट अपना भोजन नहीं बना सकते प्लांट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड अपना भोजन नहीं बना सकते अरे पौधे ही तो हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पौधे ही तो हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं हम लोग पौधों पर निर्भर है नहीं पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं ओके बेटा ये क्या होगा ये कह रहा है कि नहीं बना पाते ये फॉल्स होगा ना चलिए नेक्स्ट है एनिमल्स टॉपिक क्या है अब एनिमल्स देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है एनिमल्स ओके बेटा पढ़ते हैं पेज नंबर 20 देखिए ओपन करिए पेज नंबर 20 को एनिमल्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स एनिमल्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स एनिमल्स क्या है लिविंग थिंग्स है एनिमल्स लाइक लॉयन एंड टाइगर आर वाइल्ड एनिमल्स एनिमल्स जैसे कि लॉयन है टाइगर्स है ये क्या है वाइल्ड एनिमल्स है जंगली जानवर कहा जाता है इसको वाइल्ड एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल एनिमल वाइल्ड एनिमल क्या है ये जंगली होते हैं जंगली जानवर कहे जाते हैं दे आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ये कहां पाए जाते हैं जंगल में पाए जाते हैं एनिमल्स लाइक डॉग एंड कैट्स आर डोमेस्टिक एनिमल एनिमल्स लाइक डॉग एंड कैट्स डॉग एंड कैट्स डॉग एंड कैट्स क्या होता है डोमेस्टिक डोमेस्टिक मीन क्या होता है डोमेस्टिक एनिमल्स में क्या होता है बेटा घरेलू जानवर जो पालतू जानवर होते हैं घरेलू जानवर घरेलू जो घर पर रहते हैं घरेलू जानवर या पालतू जानवर कह सकते हैं इसे डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे डॉग कैट क्या ये डोमेस्टिक एनिमल्स
यू कैन कीप देम एज पेट इन योर हाउस, इसे आप अपने घरों में पालकर रख सकते हैं पेट एनिमल। जैसे एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए जानवर भी क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। ओके बेटा, सम एनिमल्स गिव अस फूड लाइक मीट एंड मिल्क, कुछ जानवर कुछ एनिमल्स जो होते हैं हमारे लिए क्या देते हैं, मीट देते हैं, मिल्क देते हैं, मीट खाते हैं ना, तो मीट भी मिलता है और मिल्क भी मिलता है। सम एनिमल्स लाइक शिप गिव अस फूड, शिप से क्या मिलता है हमें, सीप से, सीप सीप देखें बेटा, आप लोग सीप देखें, भेड़ भेड़ जिसको कहते हैं सीप, उस सीप से हमें क्या मिलता है, ऊल मिलता है, ऊल ऊन, ठीक है, जिससे बहुत सारे चीज बनते हैं। सम एनिमल्स लाइक हॉर्स हेल्प अस ट्रेवल टू फॉर अवे प्लेस, कुछ एनिमल्स हैं जैसे हॉर्स, हॉर्स से क्या करते हैं, सवारी करते हैं, वो हम वहीं लेकर कहीं दूर तक भी जा सकते हैं, जैसे तांगा में यूज किया जाता है हॉर्स को, ठीक है। तांगा पर कभी आप देखे हैं, तांगा नहीं देखे होंगे, तांगा देखेंगे पिक्चरों में, ओके। सम एनिमल्स लाइक डॉग्स गॉड आवर हाउस, कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे कि गॉड है, सॉरी डॉग है, जो हमारे घर की रक्षा करता है, ओके। सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट हेल्प अस कैरी हैवी ऑब्जेक्ट, एलिफेंट क्या करता है, जो हैवी ऑब्जेक्ट है भारी वजन को ले जाने में मददगार होता है हमें, हाथ एलिफेंट को जानते हैं कितना ताकतवर होता है, उसको कितना भी वजन दे दिया जाए तो लेकर चला जाएगा, हैवी ऑब्जेक्ट लेकर जा सकता है। ओके बेटा, तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग लेट्स ट्राई 3 करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।